बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जिसे खेलना ना पसंद हो, है ना? तो बच्चों, तुम लोग तरह तरह के खिलौने से तरह तरह के खेल खेलते हो ना? लेकिन क्या कभी तुम लोग अपने खिलौनों पे और चीज़ों पे ध्यान देते हो कि कुछ चीज़ें जो हैं लुढ़काने पे लुढ़क जाती हैं और कुछ चीज़ें तुम लोग से रख के खेलते हो? तुम्हारे कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिनको तुम रख कर ही खेल सकते हो और कुछ को लुढ़का के खेलते हो, जैसे कि तुम्हारी गेंद है लुढ़काने पे लुढ़क जाती है ना? कभी तुम लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन तुम्हारे खिलौने के या चीजों के खास आकार की वजह से होता है। आज तुम लोग से हम इसी बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है? दीदी, ये सब हमारे खेलने की चीजें हैं। हाँ, चीजें तो खेलने की है, लेकिन तुमको पढ़ाने के लिए लाई हूं मैं, ठीक है? खेलेंगे। भाई, इसका तो आज खेलने का मन है। क्यों राजन, तुम्हें भी खेलना है? हाँ दीदी। पढ़ोगे नहीं? नहीं चलो, अच्छा कोई बात नहीं, आज हम लोग खेलेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, क्या खेला जाए? चीजें तो खेलने की ही है ना? चलो, ये तो गेंद है तुम्हारी, है ना? चलो, इसको लुड़का खेलते हैं, ठीक? ये तुम्हारी गेंद है, हम यहाँ इससे खेलते हैं। चलो, ये लो इससे। हाँ, इसको लुड़का, ये देखो, ये लुढ़क रही है ना? अब हाँ इसको गिरा दीदी। के देखते हैं। देखो, गिराने पे क्या होती है, जब गेंद को हम गिराते हैं तो ये लुढ़कती है। देखो, लुड़की ना, हाँ लुढ़क दीदी। रही है हाँ ना? अच्छा, एक चीज हमारे पास और है, उसको भी हम लोग ऐसे लुड़का खेलते हैं, ठीक है? ये देखो, इसको लुड़का है हमने, ये ठीक है? हम तुम्हारी तरफ लुड़का है, तुम उसकी तरफ लुड़काओ। इसको हमारी तरफ लाओ, ये देखो लुढ़क के आ गया ना हमारी तरफ। अब इसको हम गिराते हैं, देखो तो भी लुढ़कता है, लुढ़क रहा है ना, दीदी। है ना? अरे वाह, ये भी खेलने में बहुत अच्छा है ना? हाँ दीदी। चलो, एक चीज और लेते हैं। ये तो तुम लोग जानते हो, टोपी है हाँ ना, दीदी। इसको तुम लोग पहनते हो, ठीक है? इसको भी खेले, इससे भी खेले, खेले इससे भी। लो देखो, हमने इसको लुढ़काया है ऐसे। ये देखो, लुढ़क रही है ना, ठीक है? अब इसको गिराया करो, चलो गिर जाने दो। इसको गिराते हैं, अब गिराने पे तो ये सीधी हो गई, हाँ दीदी। सीधी हो गई ना? दीदी ऐसा क्यों? हाँ, बताते हैं तुम लोग को। और लुढ़काने पे ये ऐसे लुढ़क जाती है ना? मजा आ रहा है खेलने में? हाँ दीदी। अच्छा, एक चीज और दिखा दूँ, देखो ये पेन है, इसे तुम हाँ लिखते हो दीदी। ना, हाँ इसको दीदी। लुढ़का के देखते हैं। ये देखो, लुढ़क रहा है ना, हाँ दीदी। लुढ़काओ इसको, खेलो इससे। अब देखो, मेरे पास कुछ चीजें और हैं। एक ये देखो पजल है, जो तुम लोग खेलते हो। एक हमारे पास है, एक डिब्बा है, अच्छा सा दिखाएं तुमको। देखो, ये डिब्बा है ना? एक ये देखो टुकड़ा है लकड़ी का हमारे पास, है ना? एक हमने कागज का टुक बनाया है डिब्बा, देखो अच्छा लग रहा है? अब इन चीजों से खेलते हैं, ठीक है ना? इनसे खेलोगे? हाँ दीदी। चलो, अब इसको लुड़काएं। हाँ दीदी। ये तो लुढ़क ही नहीं रहा, लुढ़क रहा है? नहीं दीदी। लुढ़का के देखो इसको। हाँ दीदी, ये तो असली में नहीं लुढ़क रहा है। हाँ, लुढ़क नहीं रहा है। चलो, इसको इधर कर देते हैं, इसको लुढ़का के देखो। दीदी ये भी नहीं लुढ़क रहा है। हाँ, इसको करो, चलो इससे करो। दीदी ये भी नहीं लुढ़क रहा है। हाँ, तो बच्चों, तुम लोगों ने कभी इसे ध्यान दिया कि चीजें लुढ़क क्यों नहीं रही हैं? नहीं दीदी। नहीं ध्यान दिया? तो तुम लोग जानना चाहते हो कि ऐसा हाँ क्यों होता है, दीदी। हाँ दीदी। जानना चाहते हो ना? तो आज तुम लोग को बताते हैं, चलो ठीक है? तो पहले ऐसा करते हैं, चीजों को ऐसा करो, जो चीजें जो है लुढ़कती नहीं, उनको अलग कर लो, एक तरफ करो, और जो चीजें लुढ़कती हैं उनको एक तरफ करो। ये है देखो, ये लुढ़कती है ना, और ये नहीं लुढ़कता है, इधर इसको उधर रख लो, ठीक है? इधर रख लेते हैं। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही अलग किया है। और ये चीजें नहीं लुढ़कती है, ये सीधी पड़ी रहती है, और ये लुढ़क जाती है, ठीक है? तो पहले हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, ये क्यों लुढ़कती है, ठीक है ना? इस बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, ये तुम्हारी गेंद है ना, मालूम है ना? तो जितनी लुढ़कने वाली चीजें होती हैं, उसमें एक प्रकार का तल होता है। तल तो तुम लोग समझते हो, है ना? वस्तु की जो सतह होती है उसको हम तल कहते हैं, है ना?
और जो लुढ़कने वाली चीजें होती हैं उनमें एक खास तरह का तल होता है जिसको हम वक्र तल कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र वक्र तल कहते हैं। ठीक है, तो इस गेंद का तल जो है वक्र तल है। ठीक है, अब देखो इस गेंद को लुढ़काते हैं तो ये लुढ़क जाती है, इसका तल वक्र तल है। अब इस टोपी को देखो, इस टोपी को हम देखो इधर से लुढ़काते हैं ऐसे तो ये लुढ़क जाती है ना, तो क्योंकि इसका ये तल कैसा है? वक्र तल है। वक्र लेकिन इसको सीधा रखते हैं तो ये खड़ी हो जाती है, तब तो ये लुढ़कती नहीं है। तो इसका नीचे वाला तल कैसा होता है? ये समतल होता है, और ये तल इसका वक्र तल है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब ये देखो ये भी लुढ़क जाती है ना, इसके भी इसमें भी वक्र तल है। दीदी वक्र तल क्या होता है? बताया तो तुमको कि जितनी लुढ़कने वाली चीजें होती हैं उनका तल वक्र तल होता है, और टेढ़े तल को हम वक्र तल कहते हैं। ठीक है, जो टेढ़ा तल होता है उसको हम वक्र तल कहते हैं। ठीक। अच्छा, जो चीजें हम ऐसे गिराते हैं, जैसे हम इसको मान लो इसको हम गिराते हैं, देखो इसे गिराते हैं तो ये सीधा पड़ा रहता है, सीधा पड़ा रहता है ना, ये लुढ़कता नहीं है, और ये मेज की सतह से पूरा पूरा सट जाता है। सट गया है ना मेज की सतह से। हाँ दीदी, इसको लेते हैं, चलो ये भी देखो मेज की सतह से पूरा पूरा सट जाता है। मेरे पास माचिस भी है, माचिस तुम लोग जानते हो ना, माचिस तो घर में सबके घर में माचिस होती है। हाँ दीदी, माचिस को देखो ऐसे रखा हमने, ये लुढ़कती नहीं है, इसका सतह जो है मेज की सतह से पूरी सट जाती है ना। तो ऐसी वस्तुओं के तल को जो गिराने पर सीधी मेज पे स्थिर रहती है और जिनकी सतह मेज की सतह से सट जाती है, तो हम कहते हैं उन वस्तुओं में समतल है। ऐसा तल कैसा होता है? समतल, समतल। या हम कह सकते हैं सीधे तल को समतल कहते हैं। ठीक है, समतल और वक्र तल समझ में आया? हाँ दीदी, इसकी परिभाषा तुमको हम बताते हैं। देखो सीधे तल को समतल कहते हैं और टेढ़े तल को वक्र तल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सीधे तल को समतल कहते हैं, ठीक है, और टेढ़े तल को वक्र तल कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तुमसे थोड़ा सा वक्र तल के बारे में। ठीक है, अब तुम लोग देखो ये जो चीजें हैं ये गोलाकार चीजें जितनी होती हैं और ये बेलनाकार चीजें होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि गोलाकार चीजों में या बेलनाकार चीजों में वक्र तल होता है। ठीक है, दीदी गोलाकार क्या होता है? गोलाकार, गोल चीजों को गोलाकार कहते हैं। देखो ये गेंद क्या है, ये गोल है, गोल है ना। ठीक है, अब ये जैसे तुम सोचो ये कैसा आकार है दीदी बताओ? ये गोलाकार आकार है। ये गोलाकार नहीं है बच्चों, ये वृत्ताकार है। क्या होता है देखो, इसमें इसको हम गिराते हैं, देखो इसको गिराने पे क्या होता है, इसको गिराने पे ये सीधा रुक जाता है, स्थिर बना रहता है, और ये लुढ़कता नहीं है, गोल चीज से लुढ़कती है ना। तो ये वृत्ताकार है ना, इसका एक तल समतल है, इसका ये वाला तल जो होता है ये वक्र तल होता है और ये तल इसका समतल है ना। तो ये वृत्ताकार है, और ये तुम्हारी गेंद क्या है? गेंद तो रुकती नहीं, रुकती नहीं, ये रुकती नहीं है तुम्हारी ये गेंद। देखो इसको हम लोग जो है, चलो कोई बात नहीं, गेंद इसको जो हम लोग ऐसे रखते हैं तो ये रुकती कहाँ है? रुकती नहीं है ना, ये गोलाकार है और ये वृत्ताकार है। तो तुम लोग वृत्ताकार और गोलाकार में अंतर समझ रहे हो? हाँ दीदी, समझ में आ गई बात? पहले तुम लोग गोलाकार वृत्ताकार एक ही समझ रहे थे। दीदी अभी तक तो हम लोग गोलाकार और वृत्ताकार एक ही समझते थे। दीदी गोलाकार और बेलनाकार चीजों में वक्र तल होता है। ठीक है, बेलनाकार क्या होता है? हाँ ये बेलनाकार, देखो ये हमारे पास जो फूकनी है ये बेलनाकार है। ठीक है, तो इसमें एक तल जो होता है ये वाला तल कैसा होता है? वक्र तल होता है, ये वाला तल समतल होता है। ठीक है, इसको देखो ऐसे गिराते हैं है ना, तो ये वक्र तल है, उसका ये समतल है, सीधे खड़ा हो गया ना, इसके सिरों पर क्या होता है? समतल होता है, और इधर ये वक्र तल होता है। ठीक है, तुम लोगों को बेलनाकार समझ में आ गया? हाँ दीदी, अब हम कुछ समतल वाले चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है, सबसे पहले ये इधर कर लें और ये ले लेते हैं ये भी। ठीक है, अब ये देखो ये घन है, ये क्या है? घन है। ठीक,
दीदी ये घन क्या होता है? हाँ बता रहे, तुम इसको ध्यान से देखो, इसमें कितने तल हैं? इसमें 6 तल होते हैं, देखो। दीदी वो कैसे? हाँ बता रहे, देखो, एक ये वाला, एक पीछे वाला इसके, एक ये ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, और एक ये, और एक से सामने ये। कितने तल हुए? 6 तल। 6 तल हुए ना, इसके 6 तल होते हैं और 6 तल समतल होते हैं, ठीक है। इसमें खास बात ये होती है कि इसके जो तल होते हैं ये वर्गाकार होते हैं। दीदी वर्गाकार क्या होता हाँ, है? हाँ वर्गाकार बताते हैं तुम लोग को। देखो मेरे पास एक टुकड़ा है, इसको देखो ध्यान से, देखो ये वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको हम वर्गाकार कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? और इसकी हाँ चार दीदी। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, तुमने बताया, तुम्हें घन के बारे में बताया, अब घन की परिभाषा तुम लोग को बता रहे क्या होती है ना। देखो 6 तलों वाली आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होते हैं उसे घन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें इसमें तुम्हारी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ये इसकी जो ये लंबाई हुई और ये इसकी चौड़ाई हुई और ये इसकी ऊंचाई, ये भी बराबर हो, तीनों बराबर होते हैं इसमें, ठीक। अब तुम लोग मुझे एक घन आकार वस्तु का उदाहरण बता सकते हो कोई? दीदी लूडो का पासा। हाँ लूडो का पासा, लूडो का जैसे लूडो खेलते हैं वो घन होता है, ठीक। अब हम तुम लोग को घनाभ के बारे में बताते हैं। दीदी घनाभ क्या होता है? ये देखो, ये इसको देख रहे हो ध्यान से, ये आकृति देख रहे हो? हाँ, ये घनाभ है, ठीक है। अब ये घनाभ क्यों है? देखो इसमें भी 6 तल है, एक ये और एक ये 2, एक ये और एक ये 4, ये और ये 6, 6 तल है। अब पूरे 6 तल इसके समतल होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 6 तल होते हैं, इसमें भी 6 तल होते हैं, तो घन और घनाभ में अंतर क्या हुआ? घनाभ के जो तल होते हैं ये आयताकार होते हैं, समझ में आई बात? दीदी आयताकार क्या होता है? आयताकार बताते हैं तुम लोगों को। देखो ये मेरे पास एक और टुकड़ा है ना, ये देखो इस आकार को देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखो, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है? नहीं दीदी। नहीं है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं, और आमने जो सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है और लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, तो ऐसी आकृति को आयताकार कहते हैं या इसको हम आयत कहेंगे, ठीक है। तो हमने तुमको बताया कि घनाभ के तल कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, और घन के तल वर्गाकार होते हैं, ठीक। ये दोनों में अंतर होता है। घनाभ की परिभाषा बताएं? हाँ दीदी। देखो छह तलों वाली आकृति को घनाभ कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारे आसपास या तुम्हारे घरों में कोई घनाभ क्या आकार की चीज होती हो? दीदी अलमारी। हाँ अलमारी होती है। बक्सा। बक्सा होता है। दीदी दरवाजा। दरवाजा होता है ना, और घनाभ के तल आयताकार होते हैं। अब जैसे तुम देखो तुम्हारी ये स्केल है, पटरी कहते हैं इसको, इसे तुम लोग क्या करते हो? नापते हो। ये आयताकार है, इसका आकार कैसा है? आयताकार है। और सबसे वो रबड़ जिसे तुम लोग को मिटाना बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, ये रबड़, रबड़ देख रहे हो? हाँ, ये भी आयताकार है ना। और तुम लोग अपने अब सोचना कि तुम लोग के आसपास और कौन सी चीजें होती हैं जो जिनके तल आयताकार होते हैं और जो घनाभ के आकार की होती हैं, ठीक है। तुम लोग को आकार प्रकार सब समझ में आ गए बच्चों? एक और चीज है, देखो इस टोपी को देखो, इसमें भी एक समतल होता है ना, इसमें भी नीचे एक समतल होता है ना। तो इसका एक खास प्रकार का आकार होता है क्योंकि इसमें वक्रतल और समतल दोनों होता है, इसको हम शंकुआकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकुआकार कहते हैं, ठीक है। दीदी शंकुआकार क्या है? शंकुआकार वो आकृति होती है जिसमें एक समतल होता है और एक वक्रतल होता है, ठीक। आगे बात समझ में? हाँ दीदी। अब तुम लोगों को सारे आकार प्रकार समझ, आप तुम लोग देखो बच्चों आज तुम लोगों ने खेल खेल में कितना सीखा है ना, सीखा ना। हाँ
हाँ दीदी। आ तुम लोग से हम पूछे कि तुम लोगों ने क्या क्या सीखा? पूछे? हाँ दीदी। तो मुझे एक गोलाकार वस्तु का नाम बताओ। कंचा। हाँ कंचा, ठीक है, सही बताया। गेंद। गेंद, बिल्कुल सही बताया। अब आरुषि बताएगी, ठीक है। एक घनाकार वस्तु का नाम बताओ आरुषि। दीदी पजल। हाँ ये पजल, सही बताया तुमने, बहुत सही बताया। अब एक घनाभाकार वस्तु का नाम बताना है। बक्सा। हाँ बक्सा, बहुत सही बताया। दीदी अलमारी। हाँ अलमारी, बिल्कुल सही बताई। बेलनाकार वस्तु का नाम बताओ। दीदी पेन। पेन होता है, तुम बताओ राजन। दादाजी की लाठी। हाँ बिल्कुल सही बताया, दादाजी की लाठी। और आखिरी पूछ रहे हैं तुम लोग से, एक शंकुआकार वस्तु का नाम बताओ। दीदी ये टोपी। हाँ ये टोपी, ठीक है, टोपी शंकुआकार होती है। और दीदी कीप। कीप, बिल्कुल सही बताया, ठीक। इसका मतलब तुम लोग को अब समझ में आ गया। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने तरह तरह की चीज़ों के उनके आकार के बारे में आज सीखा और जाना, है ना। अब तुम लोग आगे से जब भी अपने जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो अपनी, जैसे तुम्हारी कॉपी किताब है, पेंसिल रबड़ है, या तुम्हारे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं, अब उनके आकार प्रकार के बारे में ध्यान से देखना और सोचना कि जो तुम खिलौने खेलते हो या जिस चीज़ों से पढ़ते हो वो चीज़ें किस तरह के आकार की हैं।